उज्जैन में दो वर्षों के कोरोना काल के बाद कार्तिक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 650 दुकानें लगाई जाएगी। दुकानें व झूलों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उज्जैन में दो वर्षों बाद शिप्रा नदी के किनारे आयोजित हो रहे कार्तिक मेले का लेआउट इस वर्ष बिल्कुल नया रहने वाला है। पूर्व के स्थानों पर लगने वाला फूड जोन अलग जगह तो झूले मौत का कुआं भी अलग जगह पर लगा नजर आएगा। खास बात यह कि नगर निगम द्वारा दुकानों के साथ झूलों के स्थान का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जा रहा है और दुकानों की साइज पिछली बार से 1 फीट कम कर दी गई है। दुकान आवंटन प्रक्रिया को लेकर दलाल भी सक्रिय हो चुके हैं। नगर निगम अफसरों ने बताया कि कार्तिक मेला ग्राउंड का समतलीकरण और सीसी सड़क के साथ दुकानों के लिए कच्चा स्थान निर्धारित कर दिया गया था। मेले में मीना बाजार, स्पोर्ट सामान, फूड जोन, झूले, मौत का कुआं आदि का स्थान निर्धारित कर दिया गया है। इस वर्ष मेले में 8x10 साइज में कुल 650 दुकानें लगाई जा रही है। एक दुकान की कीमत 1500 रुपए निर्धारित है। पिछली बार दुकानें 1242 रुपए में दी गई थी। कार्तिक मेले में अधिकांश व्यापारी परंपरागत तरीके से अपनी दुकानें एक ही स्थान पर लगाते आए हैं, जिसको लेकर रविवार को दुकान आवंटन और सीमांकन के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। झूले वालों ने लॉटरी पद्धति का विरोध किया, वहीं दलालों ने दुकान की साइज को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर निगम अफसरों ने मेले में झूले दुकानें लॉटरी पद्धति से आवंटित करने का निर्णय लिया। निगम सूत्रों ने बताया कि कार्तिक मेले में दलालों द्वारा एक से अधिक दुकानों को अपने कब्जे में किया जाता है और बाहर से आने वाले दुकानदारों को यही दुकानें मनमानी कीमत पर दे दी जाती है।